देखिए ये आपका क्वेश्चन है, एक बेडरूम है जिसकी माप 3 × 3.5 है, एक बेडरूम और है जिसकी माप 4 × 3.5 है, फिर इसके आगे बरामदा है, किचन है, बाथरूम है और वाटर क्लोजेट है, और इसको देखिए यहाँ से सेक्शन करना है ऐसे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में कुछ ऐसे दे देता है, अगर नहीं दिया तो यही स्टैंडर्ड माप होती है। मान लीजिए दिया है हाइट ऑफ रूम 3.5 मीटर, हाइट ऑफ बरामदा एंड बाथरूम 2.5 मीटर, और हाइट ऑफ प्लिंथ एवं ग्राउंड लेवल, मतलब प्लिंथ लेवल जो है वो ग्राउंड लेवल से कितना ऊंचा है, वो है 60 सेंटीमीटर, वॉल थिकनेस दिया है 20 सेंटीमीटर, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन दिया है 90 सेंटीमीटर, मतलब 0.9 मीटर। तो आपका क्वेश्चन है, और देखिए इसको क्वेश्चन में थोड़ा मिला लेते हैं कि सही है कि नहीं। देखिए 3.5 यहाँ से यहाँ दूरी है, ऊर्ध्वाधर मैंने बताया था, एक जूम कीजिएगा, और 3.5 दोनों एक ही लाइन पे मिल रहे हैं, यहाँ तक सही है। देखिए यहाँ पे देखिए बाथरूम की ऊर्ध्वाधर दूरी 1 है और WC की ऊर्ध्वाधर दूरी 1 है, और किचन के देखिए 2.2 है, तो इससे कंफर्म हो रहा है कि 2.2 में से अगर 2 घटाएं तो यहाँ 20 सेंटीमीटर का दीवार आ जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ 2.2, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.2 मीटर हो जाएगा, क्योंकि बीच में वाल वाल भी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बरामदा है 2.2 मीटर वाइड। देखिए सबसे पहले डिटेल टॉप प्लान, इसकी प्लान खींचने के लिए क्या करते हैं, जो स्केल लेते हैं 1:50 लेते हैं, तो सबसे पहले इसमें जो भी कार्य करेंगे मैक्सिमम करेंगे। तो आइए यहाँ पे ये देखिए बेडरूम, बेडरूम इसकी क्षैतिज माप कितनी है, 3 और 4 7 और 20 20 20 0.6, मतलब 7.6। देखिए यहाँ से यहाँ मैंने लिख रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक एक 7.6 एक लाइन ड्रा कर लेंगे। उसके बाद से इसकी बाहरी माप देखिए कितनी होगी, 3 1 4 1 5 1 2 3 और 4 0.8, तो इसे जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6.3। तो यहाँ से यहाँ तक मैं 6.3 ऐड कर लिया हूँ और ड्रा कर दिया हूँ। जब इधर से आप ड्रा कर लेंगे तो वैसे इधर से भी उतना ही होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ड्रा कर लोगे। जब यहाँ तक ड्रा कर लेने के बाद क्या करोगे, देखिए यहाँ पे किचन है, क्षैतिज कितनी है, 2 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने जाओगे, ये तो 4 mm है प्लस ये 4 mm है, तो यहाँ से लेकर अगर इंटरनल की बात करें तो आइए अब थोड़ा बेडरूम समझ लेते हैं, उसके बाद इसे भी समझा रहे हैं कहाँ से बनाएंगे। ए लाइन आपने ड्रा कर लिया यहाँ तक, इसके बाद जितने बचे आपने रोटेट कर दिया। उसके बाद देखिए जो बेडरूम है यहाँ से 4 mm नीचे है, यहाँ से 4 mm नीचे, क्यों, क्योंकि जो वॉल थिकनेस है 20 सेंटीमीटर है। इसके बाद से यहाँ तक आप कितने करेंगे, बेडरूम 3 मीटर है, क्षैतिज माप है, तो इसके पे 6 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं 6 किया भी हूँ, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ पे आप कितने कर लेंगे, 6 सेंटीमीटर। फिर वैसे आप यहाँ वॉल की मोटाई 4 mm रख देंगे, फिर आपके ये बेडरूम है 4 है तो 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक आप कितने आएंगे, तो ये इंटरनल है, मतलब यहाँ तक 3.5 है तो 7 सेंटीमीटर, देखिए मैं आया भी हूँ 7 सेंटीमीटर, देखिए 7 सेंटीमीटर, फिर इधर भी 7 सेंटीमीटर, वैसे यहाँ से यहाँ 7 सेंटीमीटर आने के बाद, और फिर इसको यहाँ से यहाँ तक कितने दूरी तक आओगे, तो देखिए मैं BV लिखा हूँ, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा दिखा दे रहे हैं, रिफरेंस टेबल पर प्लान है, तो सिंबल है D D1 D2 ऐसे सिंबल है, डिस्क्रिप्शन है और डायमेंशन इन मीटर में है। देखिए जो डी है वो डोर है, इसकी माप कितनी है, 1:2 मीटर में है मीटर। फिर D1 है उसको, मतलब D1 डोर 1, इसकी माप 0.9 × 2 मीटर, तो ऐसे ये पूरी माप मैंने लिख रखे हैं। उसके बाद आइए यहाँ पे, अगर इसकी माप 1 × 2 है तो यहाँ से आप कितने चले जाएंगे, 2 सेंटीमीटर छोड़ करके इसे आप 4 mm पे इस लाइन को आप ड्रा कर लोगे। ऐसे अगर D1 है तो पॉइंट यहाँ पे देखिए 0.9 × 2 मीटर, तो ऐसे आप यहाँ से यहाँ तक 18 mm, मतलब 1.8 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ छोड़ करके आप इसे आप ड्रा कर लोगे। तो यहाँ तक आपने बना लिया, अब फिर इसके बाद बाथरूम रखेंगे, बाथरूम कितनी है, 1 × 1 मीटर, तो यहाँ से यहाँ कितने आ जाएंगे आप, 1 मीटर, तो स्केल पे आ जाएंगे 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर, इसके बाहर आप मतलब 4 mm दीवार की मोटाई है, तो यहाँ से यहाँ आप 4 mm में ड्रा कर लोगे। देखिए ये बाथरूम है 1 × 1 मीटर है, तो यहाँ पे मैंने D2 लगाया, D2 की माप कितनी है, 0.8 × 6, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक 1.6 सेंटीमीटर आप आ जाएंगे। वैसे भी 1 × 1 है, फिर यहाँ से यहाँ आप आ जाएंगे कितने आ जाएंगे, एक एक है तो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे D3 आप लगा लोगे। उसके बाद इधर की तो कंस्ट्रक्शन हो गई, इसके बाद यहाँ से आ जाइए, यहाँ तक आपने ड्रा किए थे, फिर यहाँ से यहाँ तक कितने आएंगे, 2.2 है तो आ जाएंगे 4.4, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आप 4.4 आ जाएंगे स्केल पे, फिर यहाँ से यहाँ 4 आ जाएंगे, 4 सेंटीमीटर मैं स्केल पे बता रहा हूँ, फिर यहाँ से यहाँ आप D2 की माप घटा करके जितनी आएगी यहाँ से यहाँ आप आ जाएंगे। उसके बाद से अब किचन भी बना लिए, ये मैं क्या रखा हूँ, ये आपकी माप है, एक स्लैब है जिसकी माप होती है
पॉइंट 45 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब 45 नहीं है, ये है हमारी 45 सेंटीमीटर, पॉइंट 45 नहीं है, सॉरी 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप स्लैब एक डॉटेड कर लोगे उधर से, तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें अब एक किचन डॉटेड, मतलब ये आपने कर लिया इसका भी, उसके बाद आप बरांडा बनाओगे, बरांडा 2.2 वाइड है, तो यहाँ से यहाँ जो बचेगा उसे आप डॉटेड दिखा लोगे। अब बात आ गई है अब इसमें विंडो कैसे लगाएंगे और फिर वेंटिलेटर कैसे लगाएंगे। आइए यहाँ पे बेडरूम है, इसके मैंने यहाँ पे कहीं मिडिल में या साइड में, थोड़ा मिडिल में ही कर लीजिए, मैंने W2/V लगा रखे हैं, फिर इसके मिडिल में लगा दिए हैं, इसके इधर एक डॉटेड दिखाए, ये क्या है आपका, ये सनसेड है, क्या है आपका, सनसेड है जो 60 सेंटीमीटर वाइड होता है। देखिए यहाँ पे मैं लिख भी रखा है यस बराबर सनसेट, जो 0.6 मतलब ये मीटर में है, वाइड है, तो ये आपका हो गया। वैसे इधर बीच में मैंने लगा रखे हैं, देखिए यहाँ से यहाँ इसकी माप अधिक है, तो देखिए यहाँ पे विंडो की माप 1.5 × 1.2 रखे हैं, फिर विंडो 1 की माप ऐसे आप इतने रखे हैं, वेंटिलेटर की माप 0.6 × 0.45 है, तो यहाँ से यहाँ आप वैसे रख लोगे, चूंकि ये बेडरूम बड़ा है तो इसमें बड़ा विंडो लगाए हैं। यहाँ पर देखिए W1/V, और फिर इसके सामने यहाँ भी W1/V बेडरूम के, क्योंकि भाई बड़े हैं तो थोड़ा अतिरिक्त संवातन चाहिए, तो मैंने दो दो लगा दिए हैं, इसके ऊपर वेंटिलेटर लगा दिए हैं। यहाँ पे देखिए डोर है, तो D/V इसके ऊपर वेंटिलेटर है, D1/V और D2 बाथरूम है, तो इसके आगे तो भाई आप वेंटिलेटर ना लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके इधर HLW लगा दें, मतलब हाई लेवल विंडो, जिसकी माप मैंने देखी है, हाई लेवल विंडो 0.6 × 0.30 मीटर है, तो ये आपका हाई लेवल विंडो हो गया। और फिर एक किचन है, किचन में आप ये विंडो बना दीजिए W2/V, और उसके बाद से इधर एक बना रहे, उसके बाद मान लीजिए अगर खाना इधर उधर बना रहे हैं तो यहाँ पे एक सिंक लगा दीजिए, सिंक, सिंक की माप वही 30 सेंटीमीटर का एक वर्ग बना दीजिए, तो ये आपका सिंक हो जाएगा। इसके लिए भी आप एक क्या लगा दीजिए, विंडो लगा दीजिए, इसके ऊपर वेंटिलेटर लगा दीजिए, क्योंकि किचन में अतिरिक्त संवातन की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए मैंने 2 विंडो और 2 वेंटिलेटर लगाए हैं। फिर बरांडा है, बरांडा का ये सनसेट मैंने निकाले हैं, और यहाँ पे देखिए मैंने स्टेप लगाए हैं, कितनी ऊंचाई तक, तो प्लिंथ लेवल की हाइट तक, प्लिंथ लेवल की हाइट कितनी है हमारी, देखिए यहाँ पे जो हाइट है 60 सेंटीमीटर है, तो चूंकि देखिए यहाँ पे मैंने राइज कितनी होती है, राइज जर्नली सीढ़ी की होती है वह 15 सेंटीमीटर, और ट्रीड कितनी होती है, जर्नली ट्रेड ऐसे 25 से 30 होती है, मैंने 20 सेंटीमीटर लिया है, तो किसे ये कहते हैं, देखिए ऐसे रहेगा, ये हमारी क्या है, ट्रेड है, और जो ये हमारी है, ये हमारी राइज है, ठीक है। तो ये रहा, तो ऊपर से देखेंगे तो ट्रेड दिखाई देंगे, तो यहाँ से मैंने ट्रेड 3 बना दिए हैं ट्रेड, तो देखिए एक की माप मैंने 20 सेंटीमीटर रख रखे हैं। उसके बाद से देखिए जब इतना आप ड्रा कर लोगे, इसके बाहर आप इवेंट सनसेट लगाई दे रहे हैं, तो उसके बाद से 1 mm की दूरी पे एक लाइन ड्रा कर दोगे, इसका नाम क्या रहेगा, प्लिंथ लाइन जो होती है हमारी 5 सेंटीमीटर होती है, एक्चुअली 5 सेंटीमीटर होती है, बट स्केल पे 1 mm आएगी, एक्चुअली 5 सेंटीमीटर होगी। तो प्लिंथ लाइन आपने 1 mm पे ड्रा कर दिया, उसके बाद से आपने सनसेट दिखा दिए। इसके बाद देखिए मैं आपको समझने के लिए जर्नली दिखा रखा हूँ कि यहाँ से यहाँ कितने गए हैं, 3 मीटर, फिर बीच में 0.2 मीटर की वो वाल है, फिर यहाँ से यहाँ 4 मीटर है, 0.2 की वाल है, फिर ऐसे आप पूरी हाइट यहाँ से यहाँ तक कर रखे हैं, फिर सेम प्रोसेस यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने दिखा रखे हैं 6.3 मीटर, फिर 0.2 यहाँ पे यहाँ वाल है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी है 3.5 मीटर, फिर यहाँ पे एक वाल है, फिर वैसे यहाँ से 1 मीटर है, फिर ये वाल है आपकी, फिर 1 मीटर है, फिर यहाँ पे वाल है, तो मैंने डायमेंशन समझने के लिए लिख दिया है। उसके बाद से पोस्टर के अनुसार देखिए जो सेक्शनल इस दोनों बेडरूम को कर रहा था, तो देखिए मैंने यहाँ पे सेक्शनल दोनों बेडरूम को कर दिया, तो ये आपका रहा डिटेल टॉप प्लान। देखिए अब यहाँ पे ट्रेड की जो यहाँ से यहाँ जो ट्रेड आप रखे हैं चढ़ने के लिए, जो स्टेप बनाए हैं उसकी जनरली चौड़ाई कितनी रख देंगे, 1 मीटर रख देंगे, ठीक। अब आइए यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ कि ऑल डायमेंशन आर इन मीटर। देखिए यहाँ से यहाँ मैं प्रोजेक्शन ला रखे हैं, पूरे के प्रोजेक्शन पे ही बनेंगे। देखिए प्रोजेक्शन सबसे पहले क्या करेंगे, एक जीएल लाइन ड्रा कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं एक जीएल लाइन ड्रा कर रखा है, उसके बाद से इसके ऊपर एक पीएल लाइन ड्रा कर लेंगे। यहाँ पीएल लाइन कितने रहेगी, तो 0.6 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ आप 1.2 सेंटीमीटर स्केल पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इतने मीटर ही है, आर डायमेंशन आर इन मीटर रख रखे हैं, तो आपकी स्लैब की RCC जो रूफ स्लैब है इसकी यहाँ से यहाँ हाइट है 3.5 मीटर, कमरे की हाइट दे रखे थे, तो ये आपके रहा। तो यहाँ से यहाँ ए लाइन ड्रा कर लेंगे, उसके बाद से
इसके ऊपर आप क्या बनाओगे, एक आरसीसी रूफ स्लैब जो होता है 0.125 मीटर, 12.5 सेंटीमीटर, तो ये आप आरसीसी रूफ स्लैब बना लोगे। और चूंकि देखिए यहाँ से ऐसे कट रहा है W1/V और W1/V, ये कट रहे हैं, विंडो भी कट रहा है और वेंटिलेटर, देखिए मैंने यहाँ पे वेंटिलेटर बना रखे हैं, वेंटिलेटर की माप भी मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं 0.6 × 0.45, ये 0.6 क्या है, क्षैतिज माप है, और ये 0.45 ऊर्ध्वाधर माप है, तो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर आएगा, मतलब यहाँ से यहाँ 9 mm आ जाएंगे स्केल पे। इसके बाद यहाँ से यहाँ मैंने बताया था वेंटिलेटर के लिए जनरली जो होते हैं 45 सेंटीमीटर, आप स्केल पे आ जाएंगे 0.9, तो ये आपके सनसेट रहते हैं वेंटिलेटर के लिए, तो आप यहाँ ड्रा कर लेंगे। इसके ऊपर पैराफेट हाइट आपने बना रखे हैं, पैराफेट पैराफेट कितनी होती है 0.75 मीटर, तो पैराफेट हाइट आप यहाँ से ड्रा कर लोगे। उसके बाद ये लाइन, ये भी पैराफेट ही है, और उसके बाद देखिए इसके ऊपर मैंने क्या कर रखे हैं, देखिए यहाँ पे इसका तो नाम आरसीसी रूफ स्लैब रख दिए, इस लाइन का नाम गाड़ी नहीं रखें, 2 फुट हार्ड बिटुमन @1.75 kg/m² से आप हार्ड कोट बिटुमन लगा देंगे। उसके बाद से देखिए इसके ऊपर मैंने मडफस का लगाया है, मडफस का जो 0.10 है, तो ये सब मीटर में है, मतलब 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर इसके ऊपर मैंने रूफ टाइल्स लगा रखे हैं 0.1 × 0.035, तो ये आपके पूरे मीटर में मैंने दिखा रखे हैं, तो ये देखिए मतलब ये 20 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ अगर 20 मान रहे हैं ऊपर से, तो यहाँ से यहाँ 10, इसकी मोटाई कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसकी भी मैंने वीडियो बना रखे हैं एक रूफ की, उसे अच्छे से जाकर देख लीजिएगा, ये ब्रिक टाइल समझ में आ जाएगी, ब्रिक टाइल ही है, जनरली रूफ टाइल भी कह सकते हैं। तो यहाँ तक आप ड्रा कर लिए, इसके नीचे पीएल लाइन के बाद एक लाइन ड्रा कर लेंगे, ये प्रोजेक्शन तो आप लाए ही होंगे। इस प्रोजेक्शन के बाद देखिए ये यहाँ पे मैं थोड़ा गाढ़ी किया हूँ पीएल लाइन पे, क्या है ये डीपीसी, जो कितनी होती है 40 mm थिक होती है, डीपीसी की परत है। उसके बाद से इसके नीचे एक हल्की सी लाइन गाढ़ा कर देंगे, जिसका नाम रखेंगे सीसी फ्लोर फिनिश, 1:2:4 का अनुपात रहेगा, 0.305 मीटर रहेगी। फिर इसके नीचे आप क्या करोगे, यहाँ पे बेड कंक्रीट मैंने लगा रखे हैं 1.61, ये आपके हो जाएंगे 10 सेंटीमीटर के। तो सबसे पहले इसे बनाने से पहले आप क्या बनाएंगे, ये फाउंडेशन बनाएंगे। तो यहाँ से तो मैंने देखिए यहाँ से प्रोजेक्शन ला लिए हैं, और ये प्लिंथ लाइन मैंने बताए थे, तो यहाँ से यहाँ 1 mm, फिर यहाँ से यहाँ 1 mm, फिर यहाँ से यहाँ आप 60 पे आ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ नीचे कितना है, चूंकि हमारी जो गहराई दे रखे हैं, देखिए यहाँ पे गहराई दे रखी है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 90 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ 90 पे पॉइंट ले लेंगे, और फिर ऊपर से नीचे आ जाएंगे आप 8 mm, फिर 1 mm, फिर नीचे 4 mm, और फिर यहाँ से यहाँ 15 सेंटीमीटर होता है, पर 3 mm आएंगे मैंने लिख रखे हैं, और फिर यहाँ से यहाँ आया 0.30 मीटर, मतलब वो एक्चुअली लेंथ है, तो यहाँ से यहाँ आप 6 mm आ जाएंगे, और यहाँ से यहाँ आप इसकी चौड़ाई बता दोगे। इसकी चौड़ाई कैसे निकालते हैं, 2t + 30। फाउंडेशन की वीडियो मेरे देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि ये कैसे कैसे होता है। तो आप फाउंडेशन बना दिए, ऐसे इधर भी फाउंडेशन बना देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ से आप काट रहे हैं, ए वाल कट रहा है, ऐसे कट रहे हैं, फिर ए ऐसे कट रहा है, फिर कट रहे हैं, तो तीनों का आप यहाँ पे पहले फाउंडेशन आप दिखा देंगे। मैंने बीच में ब्रेक लाइन दिखा दिए, क्योंकि दो फाउंडेशन दिखा दिए हैं, एग्जामिनर समझ जाएंगे कि ये भी इसकी फाउंडेशन वैसे ही बनेगा। तो मैं आपको बता दिया था ये सीसी फ्लोर बता दिए थे, इसके नीचे बेड कंक्रीट, फिर इसके नीचे आप सैंड फिलिंग करोगे जो 20 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, उसके नीचे जो भी स्थान बचेंगे उसमें कंपैक्टेड अर्थ की फिलिंग कर दोगे। तो ये आपके हो गए सेक्शनल एलिवेशन है बीबी, मतलब यहाँ तक। इसके ऊपर देखिए डीपीसी की परत लगा दी है, सबसे ऊपर जाएंगे जो ड्रा कर लिए हैं दो लाइन, यहाँ पे आप वेंटिलेटर लगा दिए, इसके नीचे इसकी हाइट कितनी रहेगी, तो देखिए यहाँ पे मैंने इसकी हाइट दे रखी है, इस सनसेट के लिए 2 मीटर की हाइट पे एक जो विंडो का है, जो यहाँ पे सेक्शनल देखिए कट रहा है, एक विंडो का मैंने सेक्शनल दिखा रहे हैं 2 मीटर की हाइट पे, यहाँ से यहाँ 2 मीटर जाएंगे, और यहाँ से यहाँ कितने जाएंगे, तो वही है 60 सेंटीमीटर। अब एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा स्केल पे, तो यहाँ से यहाँ 60 जाएंगे, और इसकी मोटाई कितनी रहेगी, तो इसकी मोटाई रहती है 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ रहती है 15 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ मतलब इस मिडिल से इस मिडिल तक रहती है 7.5 सेंटीमीटर। तो ये आप सनसेट लगा लेंगे, लगाने के बाद आपको एक कट रहे हैं चूंकि, तो यहाँ पे दो लाइनिंग से दिखा दिए हैं कि कटे हैं, इसके ऊपर आप वेंटिलेटर लगाएंगे, वेंटिलेटर के मैंने माप बताया यहाँ से यहाँ 45 सेंटीमीटर, फिर ये बहुत पतली होती है, इसकी तुलना में थोड़ा कम कर देंगे, तो ये आपकी वेंटिलेटर हो जाएगी। अब इसी के लेवल पे देखिए, अगर आप इसको ऐसे काट करके निकाल देंगे, तो यहाँ पे ऐसे वाल रहेगा,
इसके ऊपर मान लीजिए ये विंडो है, ये विंडो भी है, वेंटिलेटर है। तो इसी के लेवल पे मैंने क्या दिखा रखे हैं, एक विंडो दिखा रखे हैं, और फिर इसी के लेवल मैंने यहाँ पे क्या है, वेंटिलेटर इसके ऊपर दिखा रखे हैं। ठीक, ये वाल पूरा कटा तो ये वाल मैंने पूरी दिखा रखी है। फिर इधर की वाल पूरी कटी तो यहाँ पे देखिए वाल मैंने पूरी कटी दिखाई है, ऊपर वेंटिलेटर, फिर जैसे यहाँ समझाए थे वैसे ही इधर भी निर्माण कर लेंगे, क्योंकि यहाँ भी ये निकल रहा है। यहाँ पे जो वाल है इसके ऊपर आपको डब्लू और भी दिखेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे विंडो और वेंटिलेटर बना रखे हैं। जो वेंटिलेटर होता है जनरली स्लैब के पास ही होता है। तो ये आपका सेक्शन एलिवेशन एट ए बी पे हो गया।